Assalamu alaikum, all your students. So I'm going to discuss regarding Islamic studies section. तो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामिक स्टडीज़ के वन लाइनर पहुंच के होंगे, ठीक है, स्क्रीन आपको विजिबल होगी. सो आज हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है. गारे सोर नंबर वन आपका क्वेश्चन है, गारे सोर मक्का से किस तरफ वाक़ है, शुमाल मशरिक की तरफ. नंबर टू, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में कितने दिन क़याम किया था, 3 दिन के लिए. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात किस को अपने बिस्तर पर लिटाया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा को. हिजरत की रात कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए किस इमारत में मशवरे के लिए इकट्ठे हुए थे, दारुल नदवा में. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त कौन सी सूरत की तलावत फरमा रहे थे, सूरह यासीन की. अपने असरार बंद के दो टुकड़े करके सामान को बांधने पर हज़रत असमा बिनते अबी बकर को क्या खिताब मिला था, ज़ातल नताकीन का इनको एक टाइटल दिया गया था. कुफार मक्का ने आप सल्लम की तलाश पर कितने इनाम रखे थे, 100 सुरखोंठ जो थे इन्होंने इनाम के लिए रखे थे. हज़ूर पाक सल्लम ने सराका को क्या खुशखबरी दी थी और वो कब पूरी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका को कसरा के कंगन पहनने की थी और हज़रत उमर फारूक के दौर में खुशखबरी पूरी हुई थी और इसको जो है कसरा के कंगन पहनाए गए थे उनको. सराका किस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे, ये कदीद के मकाम पर, कदीद जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पर मिले थे. नंबर 12 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबा में कितने दिन क़याम फरमाया था, बुखारी शरीफ में है कि 10 दिन कबा में क़याम फरमाया था, मुस्लिम शरीफ में है 14 दिन क़याम फरमाया, ये दोनों रवायतें करीब करीब हैं. गालिसोर के सामने कौन सा दरख्त उगाया था, अहले अरब इस दरख्त को उम्मे गिलान कहते हैं, इसकी बुलंदी इंसानी कद के बराबर थी, गालिसोर के पास था ये. उसके बाद अब्दुल्ला बिन हरकीत किस खानदान से थे, ये दील बिन बकर खानदान से थे. सफर हिजरत में गारे सोर से निकलकर कितनी जगह पड़ाव डाला गया, 18 जगह. उम्मल महानान से क्या मुराद है, वाकया लिखें इसका मतलब है, लेकिन इसमें जो वाकया है वो अपने थोड़े डिटेल में बताना है, ठीक है. रुकूबा के मकाम पर दो चोर रहते थे, लोग इनको ये टाइटल दे दिया करते थे, ठीक है, अलमहनान, और यानी इसके मायने है ज़ैल, ज़ैल कहते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की दावत दी और वो मुशर्रफ़ा इस्लाम हो गए, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल मुकरमान, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में किस मैदान में मुसलमानों से मुलाकात की थी, तो मैदान हिरा में. कुलसून बिन हदम का ताल्लुक जो है कबीला उमरो बिन औफ से था. बैतुल अज़ाब से क्या मुराद है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन जो खसीमा के घर, जो मतलब वहाँ पे घर वालों से मुलाकात की थी, इनका घर खाली था यानी बीवी बच्चे नहीं थे, और बैतुल अज़ाब कहलाता है. अदायगी नमाज के वक़्त मस्जिद नबी क्या काम देती थी, मस्जिद नबी अदायगी नमाज के अलावा दर्स का, पार्लियामेंट और गरीब और नातर महाजरीन की क्यामगा का काम देती थी. मौक़ात से क्या मुराद है, यानी भाईचारे को कहते हैं. महाजरीन और इंसार में कायम की गई थी, यानी महाजरीन और इंसान को आपस में भाई भाई बना दिया गया था. मौक़ात मदीना की अहमियत और फ़ायद बताइए. इसमें तालीम अख़वत का मुजाहरा हुआ था, तालीम मसावात, महाजरीन की आबादकारी, कबायली रकावतों का खात्मा हुआ था. इंसान ने महाजरीन के लिए किस किस्म के इसार का मुजाहरा किया, इंसान ने इस ज़बरदस्त इसार का मुजाहरा किया. मौक़ात मदीना रहती दुनिया तक के लिए एक नज़ीर बन गया और इंसार मदीना अपने माल व असबाब, खेत बागात, जायदाद और आधोआध बांट कर अपने महाजरीन भाइयों को देने लगे. मिसाक़े मदीना कितने हिस्सों पर है, मिसाक़े मदीना के दो हिस्से हैं, का ताल्लुक महाजरीन और इंसार से है और दूसरे का पहले हिस्से से है और यहूद मदीना के साथ. मिसाक़े मदीना को कोई दो दिफात, मतलब मिसाक़े मदीना की कोई सी दो आपने दिफात बतानी है, ठीक है. अच्छा, मुआहदे में शामिल सब लोग जो है एक उम्मत होंगे, ठीक है, नंबर वन. और दूसरा ये कि आपस में जो है मुआहदे की शिरका कि सुलह जंग एक होगी, कोई एक दूसरे को छोड़कर मसालियत नहीं करेगा, ठीक है, यानी एक दूसरे को छोड़कर आप जो है अपने दूसरी तरफ आप अपना मुंह सीधा कर लें, ऐसे नहीं है. मिसाक़े मदीना के नतीजे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हैसियत थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाक़े बामी झगड़ों में हुक्म तस्लीम कर लिए गए, चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हाकिम की हैसियत हासिल हो गई. सहल और सुहेल के कफील कौन थे, इसमें साद बिन जनारा आ जाते हैं. खाने में सरीद किसने पेश किया, जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा ने, इनकी वालदा ने तैयार किया था. कि साहबी के दौरान हिजरत रास्ते में फात हो गई थी, ये थे जिंदा बिन खमरा, बहुत बीमार थे और रास्ते में इनकी वफात हो गई थी. मस्जिद नबी की तामीर के लिए मिट्टी जहाँ से ली गई थी, जगह का नाम बताइए, तो बकी अल
खख जबा, इसका मतलब ये होता है कि हजरत अय्यूब अंसारी के कुएं की एक जानब यह जगह थी, ठीक है, जहाँ से मट्टी ली गई थी। रिश्ते मुआखात में कौन किसका भाई था? हजरत बकर सिख जो थे ये खारजा बिन जैद के भाई थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, उत्मान बिन मालिक, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, ओस बिन साबित अल मदीर, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत के बाद सबसे पहले कौन फौत हुए? साद बिन जरारा फौत हुए थे, और गले में कोई छोड़, मतलब एक किस्म का ना उनको गले में थोड़ा सा होता है ना, स्वेल हो जाती है, फोड़ा निकल आना। अच्छा, हिजरत के बाद पहले कौन से बच्चे पैदा हुए? महाजरीन में अब्दुल्ला बिन जुबैर, इंसार में नुमान बिन बशीर। सिरिया हमजा कब हुआ? ये रमज़ान में हिजरत के 7वां बाद हुआ था। सो इट इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपने आज रेडी करना है। फॉर ज्वाइनिंग CSSMPT गेस्ट सेशन, CSSMPT का गेस्ट सेशन ज्वाइन के लिए आप करने के लिए आप मुझे दर्जन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज़ मोस्ट एक्टिव, और दूसरा ये कि आप अगर गेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं ना, आपको क्लियरिटी हो जाती है आपने कौन कौन से जो डाटा है उस पर फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, आखिरी माइंड मैपिंग कैसे करनी है, कौन कौन से स्मार्ट कंसेप्ट आने चाहिए, MCQs, मार्किंग ट्रिक क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जॉब याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सद कह जा रही है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।